आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत डिमांड था कि बाहर से थोड़ा वीडियो बनाकर लाइए, तो आज मैं दीदी के घर पे आई हूँ। तो इनका सब घर आप लोगों को दिखाऊंगी और यहाँ के आसपास जो है लोकेशन वो मैं दिखाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले दीदी का घर देख लीजिए, ये दीदी का घर है और हमारे गांव की हैं ये दीदी। बड़े से घर से हमारी दीदी घर है, तो दोस्तों दीदी यहाँ पे खाना बनाती हैं और अभी भी इनके घर में देख लीजिए दीदी यहाँ पे खाना बनाती हैं। और ये ऊपर जो है ये छप्पर है, तो चूता नहीं है जब पानी बरसता है, चूता है दोस्तों, बोल रही हैं दीदी चूता है, लेकिन राय में ये अच्छा लगा था, रहने में अच्छा लगता है तो यहाँ रहा थे। हाँ, और यहाँ पीछे देख लीजिए, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे भैंस बंधी हुई है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये देखिए, और ये तो सामने कुआं है जो पट चुका है, देख लीजिए ये पट चुका है कुआं। और ये सामने तो दोस्तों ये भी दीदी का घर है, इसमें भैंस वैंस बांधती हैं दीदी जब पानी बरसता है, है? जब पानी बरसता है तो यहाँ पे भैंस बांध देती हैं। रात तो ये भी देखिए मड़ैला है, हमारे गांव के भाषा में मड़ैला बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारी पौधे लगाई हुई हैं दीदी, साग है, सोहिना भी जो जो हम खाते हैं। ये पत्ता है देखिए, अरबी का पत्ता जो हम लोग बनाते हैं ना, अरबी का पकौड़ी, तो वही पत्ता है ये। आई साग गाजर नहीं जी, फूल फूल अच्छा, ये फूल फूल इतना अच्छा हो, ये सब फूल का पौधा है, दिखाओ अनार का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, इसमें अनार लगी हुई है, ये अनार का पेड़ है। चारा वाला चारा मशीन, चारा बनी दोस्तों, ये देखिए ये चारा मशीन है, गोयर बालने वाला, इसको हम चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी अम्मा भैंस चलाते हैं दूध दुहने के लिए, चारा। और यहाँ पे देखिए भूसा सब बांध करके रखी हुई है, भैंस का चारा, कंडा जो पास करके रखी हुई है, इसको क्या भिठौर बोलते हैं, भिठौर भिठौर, तो ये भिठौर है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ गूलर ऐसे पकड़ लो, गूलर हरा वत और मन का पेड़ है, इसमें गूलर हरा भी है ऊपर है, ये यहीं से बोलता हूँ। बस तो देख सकते हैं ये गूलर इसमें लगा हुआ है, लेकिन अभी बहुत छोटा छोटा है, ऊपर ऊपर भी है, घना बहुत ज़्यादा है ये पेड़। तो दोस्तों ये देखिए कितना झाल है यहाँ पे, झाड़ जंगल जैसा लग रहा है लेकिन जंगल नहीं है, ये बगीचा है। और किलोए है देख लीजिए, ये कूलर पर लटकी हुई है जो, ये पिया थी बहुत जने ना, तो इस समय हम लोग काढ़ा बनाकर पीते हैं ना, तो वही ये किलोए है। और वो सामने देखिए अशोक का पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी हुई थी, अशोक वाटिका, तो वो अशोक का पेड़ है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए जहाँ पे हम आए हुए हैं, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और सामने देखिए कितने सारे खेत खलिहान हैं,
और वो सामने जो जंगल जैसा दिख रहा है उसके पीछे भी गांव है। और यहाँ देखिए और देख लीजिए दीपांश भी हमारे साथ आया हुआ। दीपांश हाय कर दो। और ऊपर देखिए नीम का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे आके दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों ये चरी है जो गाय भैंस खाती हैं उनका चारा होता है। ये देखिए जैसे मोजा चल पकड़। देखिए पपीता लगा हुआ है, अभी छोटा छोटा है, फल है ये लग रहा है। ये देखिए ये मिर्ची का पौधा लगा हुआ है, सब मिर्ची है। तो यहाँ पे देखिए करेला लगा हुआ है, ये करेला का पौधा है। और इस खेत में मिर्चे का पौधा है और ये पपीते का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पे एक अम्मा हैं जो मतलब बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, और उनको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोग देखिएगा। तो हमारी माता, तो यहाँ देखिए अम्मा जी बैठी हुई हैं। अम्मा सबको आशीर्वाद दे दो। तो अम्मा सबको आशीर्वाद दे रही हैं, सबसे हाय कह रही हैं। और देखिए अम्मा नाक में क्या पहनी हुई हैं, इसको क्या बोलते हैं अम्मा? नाक्सा इसको बोलते हैं, नाश्ता कि नाक्सा। नाक्सा दोस्तों मुझे बोलना भी नहीं, सोने का है। अम्मा पहनी हुई है, कील भी पहनी हुई है, देखिए कितना बड़ा सा कील भी पहनी हुई है। तो अम्मा यहीं पे बैठी हुई थी तो हम सोचे कि आप लोगों को दिखा दे। और ये दीदी के घर पे हम आए हुए हैं दोस्तों, तो ये हमारी सहेली ही हैं, समझिए हमारी जेठानी लगती हैं। तो इन पे इनके घर पे हम आए हैं और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमको देखने को मिली यहाँ पर। तो अम्मा नाश्ता पहन कर अच्छा लगता है? अम्मा हंस रही हैं। नाक्सा 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 नाक्सा। और यहाँ पे देखिए सामने आम का पेड़ है, बहुत ज़्यादा इसमें आम लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और आज बादल बहुत सुंदर लग रहा था, देख सकते हैं कैमरे में कितना सुंदर बादल आया हुआ था। तो आम का देखिए कितने अच्छे फल लगे हुए हैं आम के पेड़ में। तो किस किस को आम को देखकर मुंह में पानी आ गया कमेंट करके बताइएगा। और ये दीपांश ऊपर से मतलब दीदी के छत के ऊपर से थोड़ा सा लोकेशन लिया था, देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे लोकेशन है। सच में बाहर निकलकर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए होंगी ये तो ये इधर झोपड़ी है, इधर ये सारा गांव है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और अभी मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, देखिए ये चारपाई है और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये देखिए मशीन पानी से लगा
यहाँ देखिए बगल में मशीन भी है, तो यहाँ पे बैठने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे खुला है और चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं और हवा बहुत अच्छा यहाँ पे आता है, पंखे की ज़रूरत नहीं है, मन जो है एकदम से तरोताज़ा हो जाता है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगता है यहाँ पे। यहाँ के लोग जो यहाँ पे रहते हैं ना, तो उनका तो मज़ा ही मज़ा है क्योंकि यहाँ पे पंखे की ज़रूरत नहीं है, ना ही लाइट की ज़रूरत है, हवा इतना अच्छा चलता है और लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन बहुत सुंदर है, जब हरियाली होती है ना तो और भी अच्छा यहाँ का लोकेशन आएगा। तो कभी ना कभी मैं यहाँ पे आती रहूँगी और वीडियो बनाती रहूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा। दीपांश तुम भी बाय बोल दो इधर देख के।